वेलकम बैक फ्रेंड्स। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी समझा चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको जो मेनली कवर करवाए हैं अभी तक, कैश क्रेडिट लिमिट कवर करवा दी है, ओवरड्राफ्ट लिमिट को फुली कवर करवा दिया है, ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट हो गया, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरन बिल नेगोशिएटेड और लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग, जो कि एक फॉरन लेटर ऑफ क्रेडिट और इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्काउंट करने के प्रकार हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बायस क्रेडिट के ऊपर तो बहुत ही डिटेल डिस्कशन हमारी हो चुकी है, और जो लास्ट लेक्चर हमने फिनिश किया वो हमने फिनिश किया फॉरन करेंसी डिमांड लोन के ऊपर। तो जो आज का लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में और उससे भी पिछले सेकेंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं स्विफ्ट कोड के बारे में आपको समझाना चाहूँगा, बट आज के लेक्चर में मुझे माफ़ कीजिएगा, स्विफ्ट कोड को मैं थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट के बारे में जो उसका प्रोसेस है उसके बारे में हमारा फ्लो बना हुआ है, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में एक दो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिस्क इन्वॉल्व हैं क्रेडिट मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप एज अ क्रेडिट मैनेजर किसी बैंक में काम कर रहे हैं या बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू लगा लीजिए, इसमें दो तरह के एक स्पेशल रिस्क इन्वॉल्व हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये नॉलेज में रहे, ये आपको कल को आप एज अ क्रेडिट मैनेजर एडजस्ट करते हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप कई बार कोई इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बेसिकली मेरा भी प्रैक्टिकली एक बार इंटरव्यू हुआ था, मेरे से भी प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक बार प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ के अंदर, तो वो रिस्क क्योंकि टॉपिक साइड बाय साइड चल ही रहा है तो क्यों ना वो रिस्क साथ में डिस्कस कर लिया जाए, ताकि इस टॉपिक को हम वंस एंड फॉर ऑल पूरा क्लोज कर दें। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट है उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट में मैं डिस्कस करूंगा इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसमें इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट मींस, वैसे तो लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने फॉरेन ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको समझाया था कि अगर इंडिया अमेरिका से बाय कर रहा है तो लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करेगा, बट मैंने आपको साथ में यही समझाया था कि जो ये ट्रांजेक्शन फॉरन लेटर ऑफ क्रेडिट की है, सिमिलर ट्रांजेक्शन जो है इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि अगर पंजाब के बंदे ने महाराष्ट्र के बंदे से या पंजाब के लुधियाना में किसी बंदे ने जलंधर के बंदे से ही बाय करना हो, तो इनलैंड विद इन बाउंड्री ऑफ इंडिया भी ट्रांजेक्शन हो सकती है, उसको इनलैंड एलसी बोलते हैं। तो उसमें क्या स्पेशल रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो डिस्कस कर रहे हैं, और जो बायस क्रेडिट फैसिलिटी में भी एक पर्टिकुलर रिस्क है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे, क्रेडिट मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू लगा लीजिए या बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है। देखिए सबसे पहले तो जो रिस्क की हम बात करते हैं, सबसे कॉमन रिस्क जो कि सबसे पहले आप एज अ किसी को लोन देते समय देखते हैं वो तो यही होता है कि नॉन पेमेंट ऑफ ऑन ड्यू डेट। ये तो देखिए इस रिस्क के बारे में तो कोई समझाने की जरूरत है नहीं, ये तो पता ही है कि ऑलवेज आपको कोई भी, आप किसी बंदे को कोई भी लोन दे रहे हैं, आप अपने लोकल भी अगर बैंक नहीं दे रहा, अगर आप लोकल भी अपने फ्रेंड को कोई उधार दे रहे हैं, तो ये रिस्क तो ऑलवेज रहता है कि जो आपका जो पैसा है वो ड्यू डेट पे वापस आएगा कि नहीं आएगा। इस रिस्क के बारे में हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे, ये तो कॉमन अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में कोई भी नई चीज नहीं है। जिन दो रिस्क के बारे में मैं आपसे स्पेशली आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, देखिए वो ध्यान से देखिए कि क्या दो रिस्क इन्वॉल्व है। एक रिस्क है कि सपोर्टिंग ग्रुप फर्म्स थ्रू आईएलसी, इनलैंड एलसी के थ्रू अपनी ही ग्रुप फर्म्स को सपोर्ट करने का रिस्क। सेकंड और वेरी इंटरेस्टिंग रिस्क जो है आर्बिट्रेज थ्रू बायर्स क्रेडिट। आर्बिट्रेज क्या होती है और आर्बिट्रेज के साथ कैसे रिस्क इन्वॉल्व रहता है बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर, वो रिस्क मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिस्क क्या है, सपोर्टिंग ग्रुप फर्म थ्रू इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा गया था प्रैक्टिकली, जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो आप भी इस चीज को समझ लीजिए कि जो इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट होती है या जो डोमेस्टिक एलसी होती है, उसके अंदर कैसे रिस्क इन्वॉल्व रहता है आप ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल है कि मिस्टर ए है, उनका लुधियाना में बिजनेस है होजरी का, और उन्होंने क्या किया, उनकी फर्म है एबीसी एंड कंपनी, राइट। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को अप्रोच किया और बोला कि मेरे को दिल्ली में एक पार्टी है, मेरा सप्लायर है बेसिकली, उससे मैंने मटेरियल बाय करना है, तो मेरे को उसको मटेरियल खरीदने के लिए, वो मेरे पे भरोसा नहीं करता, मेरे को उससे मटेरियल खरीदने के लिए एलसी चाहिए, एलसी इशू करवानी है आपके बैंक के थ्रू, एलसी की
ट्रांजेक्शन करनी है, एलसी की ट्रांजेक्शन करनी है आईसीआईसीआई बैंक को, उसने इस तरह से अप्रोच किया। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नॉर्मली ड्यू डिलीजेंस किया और मिस्टर ए के ऊपर ड्यू डिलीजेंस करके उसको जो एलसी लिमिट जो है उसको सैंक्शन कर दिया, उसको पास कर दिया एलसी फैसिलिटी को, राइट। अब मिस्टर ए ने जो दिल्ली पार्टी के बारे में बताया था, आईसीआईसीआई बैंक ने इसके बारे में ज़रा भी नहीं पूछा कि वो कौन सी पार्टी है, उसकी ज़रा डिटेल बताएं, उसका क्या सीन है, कौन सी पार्टी, क्या डीलिंग है उनके साथ, क्या नाम है, तो उसके बारे में कोई भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन उससे नहीं मांगी। ये आईसीआईसीआई बैंक ने गलती कर दी। अब मिस्टर ए ने क्या किया, एक्चुअल में मिस्टर ए ने क्या किया, उसने अपनी वाइफ मिसिज ए के नाम पर एक फर्म खोली प्रोप्राइटरशिप कंसर्न उनकी, और उसका नाम रख दिया जैसे मान लो BCD and Company नाम से एक फर्म खोल ली, उसको दिल्ली में रजिस्टर करा दिया। फॉर एग्जांपल दिल्ली में रजिस्टर करवा दिया। देखिए ये रजिस्टर, ये दिल्ली समझाने के लिए है, ये जरूरी नहीं है कि कोई इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो, ये इंट्रा स्टेट भी हो सकती है, विद इन द स्टेट भी हो सकती है, लुधियाना जलंधर में भी हो सकती है, तो ऐसे ही इसमें कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। तो उन्होंने मिसिज ए की प्रोपराइटरशिप फॉर्म बनाई BCD and Company और उसको दिल्ली में रजिस्टर करवा दिया। और क्या किया, आईसीआईसीआई ने एलसी लिमिट सैंक्शन कर दी उसको परचेजिंग पार्टी से बाय करने के लिए। तो उसने क्या किया कि एलसी इशू करवा दी इनकी फेवर में, एलसी इशू करवा दी, राइट। तो एलसी इशू यहाँ पे होगी, तो देखिए ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो एक्चुअल में बिजनेस भी सेम है, या बिजनेस यहाँ पे ये फर्म सिर्फ बुक्स भी हो सकती है, एक्चुअल ये फर्म हो ही नहीं सकती, या काम नहीं भी कर सकती, या जो एक्चुअल काम कुछ हो भी सकता है, तो बट ये इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन ही है। उसने इस चीज का नजायज फायदा उठा के अपनी ही सिस्टर कंसर्न के नाम पे एलसी इशू करवा ली। और मिसिज ए ने क्या किया, उनके पास एलसी यहाँ पे रिसीव हो गई आईसीआईसीआई बैंक की। उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक को अप्रोच किया। उन्होंने वहां पे अप्रोच किया, उनको बोला कि मेरे को आईसीआईसीआई बैंक से एलसी आई है, एबीसी एंड कंपनी ने इशू करवाई है ये एलसी मेरे नाम पे, मैं बेनिफिशियरी हूँ, मेरी फर्म इसमें बेनिफिशियरी है, तो आप कृपया करके मेरे को इस एलसी के बिहाफ पे पैसा दे दीजिए, अमाउंट दे दीजिए एलसी के बेस पे। यानी कि बेसिकली उसने लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी को यूटिलाइज कर लिया। तो देखिए मैं ये समझा चुका हूँ ना आपको ऑलरेडी कि लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी मैं आपको ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। तो इसने तो यहाँ से क्या किया, आईसीआईसी बैंक से एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ली, इसने कोटक बैंक से एलसीबीडी लेटर ऑफ क्रेडिट बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी ले ली। और जो यहाँ पे कोटक बैंक ने गलती की, उन्होंने पूछा नहीं कि जिस पार्टी से आपकी एलसी आ रही है वो पार्टी कौन है, कौन उसमें प्रोवाइडर, कोई आपकी कोई इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन तो इंटरग्रुप वाली फर्म तो नहीं है। कोटक बैंक ने इस चीज को नहीं पूछा, उन्होंने देखा कि सिर्फ एलसी आई हुई है, हमें तो आईसीआईसीआई बैंक से टाइम पे पेमेंट आई जानी है, तो क्यों ना हम इस चीज को डिस्काउंट कर दे, हमारी पेमेंट तो सिक्योर्ड है। और उन्होंने क्या किया, एलसी को डिस्काउंट करके यहाँ पे पेमेंट को रिसीव कर लिया मिसिज ए ने। अब मिस्टर ए और मिसिज ए ने इसी तरह से ट्रांजेक्शन को घुमा के, जैसे मिसिज ए ने पेमेंट रिसीव कर ली और मिस्टर ए को पेमेंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर दी, और एक्चुअल में कोई फेक बिल डाल लिया परचेज का या कुछ भी डाल लिया और एक्चुअल में कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, तो ये काइंड ऑफ एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है इनलैंड एलसी के केस में, कि जो आपकी एलसी की ट्रांजेक्शन है आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कल को ये कोई ऐसी ट्रांजेक्शन ना हो कि जो सिर्फ इंटर ग्रुप फर्म्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, कोई टेम्परेरी मिस्टर ए को लिक्विडिटी क्रंच है, ठीक है, उसको बैंक कोई फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं दे रहा, तो उसने एलसी फैसिलिटी को इस तरह से मिसयूज करके टेम्परेरी फंड्स को अरेंज कर लिया। तो आपको हमेशा एज अ क्रेडिट मैनेजर जब भी केस को असेस करना है, तो आपको, आप चाहे किसी को एलसीबीडी फैसिलिटी दे रहे हो, चाहे आप किसी को एलसीबीडी फैसिलिटी दे रहे हो, चाहे आप किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहे हो, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो ये ट्रांजेक्शन हो रही है वो जिसको भी इसने एलसी, जिसकी भी डिस्काउंट करवानी है या जिसको भी एलसी इशू करनी है, वो पार्टी जेन्युइन नेचर की हो, उस पार्टी में कोई इंटर ग्रुप सपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन हम किसी भी तरह का ना हो, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या किस तरह से एलसी की फैसिलिटी को मिसयूज किया जाता है प्रैक्टिकली। सेकेंड रिस्क क्या इन्वॉल्व रहता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिस्क है,
कि आर्बिट्रेज रिस्क थ्रू बायस क्रेडिट एंड एलसी ट्रांजेक्शन बाय द बोरोर। इसमें एलसी ट्रांजेक्शन का होना या ना होना जरूरी नहीं है, ये बायस क्रेडिट ट्रांजेक्शन सिंगल भी हो तब भी ये हो सकता है। बट मैंने एक केस स्टडी बनाई है आपके सामने, एक केस स्टडी बनाई है, प्रैक्टिकल केस है जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हुआ है, एक केस स्टडी बनाई है। इस केस स्टडी के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से रिस्क इन्वॉल्व रहता है और आर्बिट्रेज का क्या मीनिंग रहता है। इस ट्रांजेक्शन के थ्रू हम समझेंगे, अभी मैंने आर्बिट्रेज का मीनिंग आपको क्लियर नहीं करवाया। पहले हम ट्रांजेक्शन देखते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या है, केस क्या है और एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो देखिए, एबीसी एंड कंपनी है, एक एबीसी एंड कंपनी है जिसके प्रमोटर है मिस्टर ए, जिसके प्रमोटर कौन है, मिस्टर ए है, ये उनकी एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न है, राइट। एबीसी एंड कंपनी है, मिस्टर ए प्रोपराइटर है। इस ये कंपनी क्या करती है, ये सारा जो अपना माल है, जो उसकी 100% परचेज है, वो थ्रू इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना है। ये सारा माल अपना चाइना से मंगवाती है फर्म, ठीक है, इसकी कोई डोमेस्टिक बाइंग नहीं है। डोमेस्टिक ये मैंने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह से समझाने के लिए आपको लिया, ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस होती हैं प्रैक्टिकली साथ में, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% परचेज ही हो, डोमेस्टिक भी बहुत कुछ बाय करना पड़ता है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, तो 100% परचेज उसकी जो है वो थ्रू इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना है, और ये सब चाइना से माल मंगवा के उसको इंडियन मार्केट में सेल कर देती है, इंडियन मार्केट में बेच देती है। जब ये माल बेचती है तो माल बेचने से पहले इसको माल को 60 दिन तक अपनी फैक्ट्री में लगा लीजिए, या अपने शोरूम में लगा लीजिए, या अपने गोडाउन में लगा लीजिए, वेयर हाउस वगैरह, 60 दिन तक इसको माल को जो है स्टोर करके रखना पड़ता है अपने पास। और जब वो माल बेच देती है तो जो उसको पार्टीज हैं वो 30 दिन में पेमेंट कर देती हैं। अच्छा, तो जो 100% परचेज ये चाइना से कर रहे हैं, तो जो चाइनीज लोग हैं इसको 60 दिन का उधार दे देते हैं। 60 दिन का उधार कैसे, वो कहते हैं कि एलसी आप दे दीजिए हमें, एलसी दे दीजिए, एलसी आफ्टर साइट यानी कि यूजर्स एलसी आप हमें दे दीजिए। यूजर्स एलसी के ऊपर 60 दिन, यूजर्स एलसी जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके 60 दिन के बाद हमें पेमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो उन्होंने क्रेडिटर्स ने इसको इस तरह से सपोर्ट किया हुआ है 60 दिन के अंदर, राइट। उसके बाद एबीसी एंड कंपनी मिस्टर ए ने क्या किया, अपने बैंक से, क्योंकि इसको 60 दिन का ही एलसी टेन्योर चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि उसको 60 दिन की एलसी इशू करवानी है, तो 60 दिन के एलसी का उसने फैसिलिटी अपने बैंक से सैंक्शन करवा लिया। प्लस उसने अपने बैंक को समझा बुझा के, चाहे उसने क्या किया हो ना भगवान जानता है, कि चाहे उसने जैसे मर्जी समझाया बुझाया हो, बुक्स को गलत प्रेजेंट किया हो, पैसे गिराए हो, क्या पता, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया कि अपने बैंक को अपनी बायस क्रेडिट फैसिलिटी अवेल की बैंक से साथ में 120 डेज के लिए। उसने बैंक को बोला कि एलसी के साथ मेरे को 120 डेज के लिए बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी भी ऑफर करी जाए, राइट। तो बैंक ने देखा कि 60 डेज की एलसी का टेन्योर हो गया प्लस 120 डेज का बायर्स क्रेडिट का टेन्योर हो गया। तो इस तरह से उसने बैंक ने टोटल उसको इतने 180 डेज के लिए सपोर्ट कर दिया इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी केस स्टडी है, ये हमारा केस बन गया यहाँ पे आके। तो उसके बाद क्या हुआ, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या सीन हुआ कि अब हम इसको दो ट्रांजेक्शन में देखते हैं। देखिए, टू डिफरेंट टाइमलाइंस इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। टू डिफरेंट टाइमलाइंस को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में लिखूं, टाइमलाइन का मीनिंग क्या रहेगा, टाइमलाइन का मीनिंग रहेगा ऑपरेटिंग साइकिल। टू डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल इन्वॉल्व है, आप देखिएगा खुद जान जाएंगे कि बैंक ने कहां पे गलती करी है। टू डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। पहला ऑपरेटिंग साइकिल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल जो एक्चुअल है बोरोर के बिजनेस में। पहला ऑपरेटिंग साइकिल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अब ट्रांजेक्शन्स को हम डेट्स के थ्रू रेफर करके देखते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रही है। देखिए, मान लीजिए 1 जुलाई 2021 है, 1 जुलाई 2021 है, उस दिन एलसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एलसी के जो, देखिए एलसी की ट्रांजेक्शन हुई है तो डॉक्यूमेंट्स तो बैंक के थ्रू ही आएंगे, जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करवा चुका हूँ। बैंक के थ्रू जब डॉक्यूमेंट आएंगे तो बैंक के थ्रू एलसी के डॉक्यूमेंट्स कब आएंगे, जब वहां से चाइना से शिपमेंट हो चुकी हो, बिल ऑफ लेडिंग जनरेट हो चुका हो, ये ट्रांजेक्शन हम क्लियर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो एलसी के डॉक्यूमेंट्स जब रिसीव हुए, यानी कि शिपमेंट हो चुकी है चाइना से माल की, माल वहां से चल चुका है और एलसी के डॉक्यूमेंट्स आ गए, रिसीव हो गए, एक्सेप्ट हो गए, एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो जब एक्सेप्ट कर लिए तो टर्म क्या थी, टर्म थी कि एलसी फैसिलिटी मिलेगी 60 दिन आफ्टर साइट या आफ्टर एक्सेप्टेंस, 60 दिन की, ठीक है। तो जब 1 जुलाई को उसने एलसी को एक्सेप्ट किया, हमारे बोरोअर ने, मिस्टर ए ने 1 जुलाई 2021 को एलसी को एक्सेप्ट किया, तो जब 31 जुलाई 2021 31 जुलाई सॉरी 31 जुलाई नहीं यहाँ पे आएगी जुलाई अगस्त
60 डेज 31 अगस्त 2021 क्या आएगी एलसी की पेमेंट डेट। 60 दिन की एलसी थी तो 1 जुलाई 2021 को सब कुछ एक्सेप्टेंस हो गई और एलसी का जो मीटर है 60 दिन का, जो 60 दिन का एलसी का मीटर है वो यहाँ पे घूमना स्टार्ट हो गया कि 60 दिन के बाद पेमेंट होनी है, 60 दिन के बाद पेमेंट होनी है। तो 60 दिन के बाद बैंक क्या करेगा, बैंक मिस्टर ए को बोलेगा कि भाई आपकी एलसी की ड्यू डेट आ गई है, आप कृपया करके एलसी की पेमेंट कीजिए, अब मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए कह रहा है कि भाई बैंक को मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मनी एज ऑन डेट नहीं है, आज की डेट में मेरे पास पैसा देने के लिए है नहीं, तो आप बताइए कि एलसी की पेमेंट कैसे करनी है। तो वो मिस्टर ए बैंक को बोलता है कि देखिए मैंने आपसे बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी सेंक्शन करवाई हुई है 120 डेज के पीरियड की, मेरे को तो अभी माल बेचना है, बेचने के बाद पेमेंट आनी है, तो मेरे को तो अभी टाइम लगेगा तो पेमेंट वगैरह आने में, तो आप कृपया करके बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी को एक्टिव कर दीजिए और उसके थ्रू एलसी की पेमेंट कर दीजिए। एलसी तो क्या है कि एक पेपर ही है ना, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। तो 31 अगस्त 2021 को क्या हुआ, 31 अगस्त 2021 को उन्होंने क्या किया कि एलसी की ड्यू डेट की जो पेमेंट करनी थी, बैंक ने क्या किया कि बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी 120 डेज की वो यूज कर ली, एसबीएलसी इशू कर दी और फॉरेन बैंक के थ्रू, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर समझाया था उस प्रोसीजर के थ्रू 31 अगस्त को पेमेंट कर दी। उस पेमेंट से क्या हुआ कि एलसी की जो ट्रांजेक्शन थी वो कैंसिल हो गई और जो बायर्स क्रेडिट की ट्रांजेक्शन जो थी वो सिस्टम में क्या हो गई, एक्टिव हो गई, बायर्स क्रेडिट की ट्रांजेक्शन सिस्टम के अंदर एक्टिव हो गई। तो बायर्स क्रेडिट की ट्रांजेक्शन कितने टाइम के लिए उसको मिली है, 120 डेज के लिए। तो 120 डेज आप अगर सिंपलिसिटी के लिए लगाएं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को क्या होएगा, उसके बायर्स क्रेडिट की ड्यू डेट आएगी, देखिए जो मैंने आपको कॉमन रिस्क समझाया था वो तो कॉमन रिस्क ऑलवेज रहता है कि एलसी की ड्यू डेट के ऊपर वो पैसा नहीं दे या बायर्स क्रेडिट की ड्यू डेट के दिन वो पैसा ना दे। तो 31 दिसंबर 2021 को बायर्स क्रेडिट की ड्यू डेट आ गई और हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि कॉमन रिस्क वाला इन्वॉल्व नहीं है, उसने बायर्स क्रेडिट की ड्यू डेट को, ड्यू डेट वाले दिन 31/12/2021 को उसने बायर्स क्रेडिट की जो है पेमेंट डन कर दी। हमारा जो बोरोवर है मिस्टर ए, उसने 31 दिसंबर 2021 को पेमेंट कर दी। देखिए बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी है जो ये फॉरेन करेंसी में मिलती है आपको, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम होता है, 4-5% L+, जैसे मैंने आपको समझाया था ना, L+ 2.5% रहता है, तो मतलब 3-5% के अराउंड, मतलब 4-5% के अराउंड आप लगा लीजिए, इतना सिर्फ इतना कम ब्याज रहता है इसके अंदर। तो बहुत सस्ते फंड्स मिले हुए हैं आजकल, आप FD भी कराएं तो 5.5% FD में आपको ब्याज मिल जाता है, म्यूचुअल फंड्स आपको 8-9% रिटर्न दे देते हैं, तो 4-5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको ये फंड्स मिल गए थे और उसने फंड्स को यूज किया, अपना बिजनेस चलाया और 31/12/2021 को उसने ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट कर दी। ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सारा साइकिल आ गया, ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका 60 डेज प्लस 120 डेज प्लस 120 डेज ये कितना हो गया, 180 डेज टोटल, ये 180 डेज हो गया। तो बैंकिंग ने उसको 180 डेज के तरफ 180 डेज के थ्रू उसको सपोर्ट कर दिया इस ट्रांजेक्शन के थ्रू, राइट। तो अब हम देखते हैं कि जो एक्चुअल टाइमलाइन है बोरोवर की, एक्चुअल टाइमलाइन क्या रहती है बिजनेस के अंदर। देखिए अब एक्चुअल टाइमलाइन हमने समझनी है, देखिए वही ट्रांजेक्शन हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 2021 को उसको एलसी के डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए और उसने एक्सेप्ट कर लिए, 1 जुलाई 2021 को एलसी के डॉक्यूमेंट रिसीव हुए और उसने एलसी के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जब एलसी के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया तो जुलाई और अगस्त, 31 अगस्त तक उसके पास टाइम है उसको पेमेंट करने का। देखिए जब एलसी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तब आपकी शिपमेंट पोर्ट पे पहुंचने वाली होती है या ऑलमोस्ट पहुंच गई होती है। तो मान लीजिए कि उसने शिपमेंट को क्लियर करवाया, सारे प्रोसीजर करवाए, उसके बाद माल को पोर्ट से ट्रांसपोर्ट करवाया, ट्रांसपोर्ट करवा के उसका जो स्टॉक है जब उसकी फैक्ट्री में आया तो तब तक 15 जुलाई आ चुकी थी, किसी वजह से 15 दिन इस पूरी ट्रांजेक्शन में लग गए, वैसे हफ्ता 10 दिन का टाइम लगता है तो वैसे 15 दिन लग गए आप मान के चलिए अपनी एग्जांपल के अंदर। तो 15 जुलाई 2021 आ गई और उसका स्टॉक जो है फैक्ट्री के अंदर आ गया। तो उसका जो एक्चुअल बिजनेस साइकिल है उसके अंदर स्टॉक साइकिल उसका कितना है, स्टॉक साइकिल कितना है उसका 60 डेज का। तो देखिए 15 जुलाई को उसके पास स्टॉक बुक्स के अंदर आ गया, 15 जुलाई को स्टॉक उसके पास आ गया, तो उसको 60 दिन तक स्टॉक को अपने पास स्टोर करके रखना है। तो वो 15 सितंबर
15 सितंबर 2021 तक, 15 सितंबर 2021 तक स्टॉक को अपने पास रखेगा और 15 सितंबर तक 60 दिन के बाद अपने स्टॉक को बेच देगा। जब वो स्टॉक को बेच देगा तो उसको जो पार्टी को जिसको वो बेचता है वो उसे उधार माल खरीदती है और वो उसको कितने दिन बाद पेमेंट करती है, वो उसको पेमेंट करती है 30 डेज के बाद। वो उसको कितने टाइम के बाद पेमेंट करती है, 30 डेज के बाद पेमेंट करती है। तो जो उसको जो पेमेंट होगी वो पेमेंट कितने पेमेंट कब होगी उसको, 15 अक्टूबर 2021 को, 30 दिन बाद, 15 सितंबर के बाद 30 दिन के बाद उसको जो अपनी पार्टी से पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अब आप डिफरेंस देखिए, जो ये जो ट्रांजैक्शन हम इस स्टॉक की कर रहे हैं, जो ये स्टॉक उसने क्लाइंट ने बाय किया है, जो इसकी जो ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो देखिए, ट्रांजैक्शन 1 जुलाई से शुरू हुई है। उसी ट्रांजैक्शन की जो उसी ट्रांजैक्शन में जो उसने स्टॉक मंगवाया बाहर से, इंपोर्ट करके जो भी उसने स्टॉक को मंगवाया है बाहर से, उस स्टॉक को मंगवाने के बाद उसने उस स्टॉक को बेचा और उस स्टॉक की जो पेमेंट है 15 अक्टूबर 2021 को उसने उस स्टॉक की पेमेंट को रिसीव कर लिया। 15 अक्टूबर 2021 को उसने उस स्टॉक की पेमेंट को रिसीव कर लिया। तो बैंक को भी तो 15 अक्टूबर तक पेमेंट मिल जानी चाहिए ना। तो देखिए, बैंक ने भी तो उसी स्टॉक को फंड किया है, सेम स्टॉक को बैंक ने फंड किया है, राइट। तो जब बैंक ने फंड किया है सेम स्टॉक, तो उसको उसी बैंक को भी तो उस स्टॉक की पेमेंट मिल जानी चाहिए ना। बैंक वेट कर रहा है कब तक, बैंक वेट कर रहा है 31 दिसंबर 2021 तक। और क्लाइंट कब उस स्टॉक की पेमेंट रिलाइज करके बैठा है, क्लाइंट रिलाइज करके बैठा है 15 अक्टूबर को ही। तो मतलब क्लाइंट ने बैंक को जो पेमेंट करनी है वो तो करनी है 31 दिसंबर 2021 को, पर क्लाइंट ने उस पेमेंट को रिकवर कब कर लिया, 15 अक्टूबर 2021 को। तो ये गैप कितना है, 2.5 महीने का। तो 2.5 महीने पहले ही क्लाइंट ने उस पेमेंट को एडवांस में रिसीव कर लिया, 2.5 महीने पहले ही क्लाइंट ने उस पेमेंट को एडवांस में रिसीव कर लिया। अब उसने एडवांस में रिसीव करके करा गया, क्योंकि बैंक को तो उसने 4-5% के बीच में ही ब्याज भरना है। उसने 2.5 महीने, उसके पास 2.5 महीने का टाइमलाइन पड़ा है अभी पेमेंट करने का। वो अब 2.5 महीने में कुछ भी कर सकता है, वो 2.5 महीने में इस पेमेंट को क्या कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया इस पेमेंट को, FD बना दी, या उसको अगर मन में उसके लालच आ गया तो इसको डाइवर्ट करके कहीं और घुमा के ले गया, बिजनेस से बाहर ले गया इस पेमेंट को। तो इस चीज में, इस चीज का इन्वॉल्व रहता है। और जो ये 2.5 महीने का पीरियड है, 2.5 महीने का पीरियड है जिसके अंदर उसने बैंक को सिर्फ 4-5% ब्याज पे किया, और हम मान के चलते हैं कि उसने इसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई ROI जनरेट करने वाली एसेट्स में डाल दिया, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हों, उसमें डाल दिया जहाँ पे उसने 7-8% इंटरेस्ट कमाया इस 2.5 महीने के पीरियड के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं कि उसने, क्लाइंट ने क्या किया, उसने आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को यूज किया, उसने आर्बिट्रेज किया आपके साथ। उसने क्या, उसने अपनी ट्रांजेक्शन में क्या किया आपके साथ, आर्बिट्रेज किया। देखिए, आर्बिट्रेज का यही मतलब होता है कि जब सेम ट्रांजेक्शन के लिए हम दो मार्केट्स को यूज कर लेते हैं और उसके बीच जो डिफरेंशियल रेट होता है दो मार्केट्स का, और उसका फायदा उठा के हम कमाई करते हैं, तो उसको आर्बिट्रेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्रैक्टिकली, तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, राइट, और एक मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मान लो क्या है ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है जी। देखिए, प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ डिफरेंट रहता है, ट्रांजेक्शन फीस होती है, सब कुछ तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकली। तो वैसे एक समझने के लिए, आर्बिट्रेज को एक आसान भाषा में समझने के लिए, मान लो जी आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है शेयर 600 रुपए का, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर है 601 रुपए का। तो सेम शेयर दो डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग रेट पे बिक रहा है, ट्रांजेक्शन फीस को, टैक्सेस को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ से 600 रुपए में खरीदा, यहाँ से जहाँ पे 601 रुपए में सेल कर दिया, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेज। यानी कि आपने सेम मार्केट का फायदा उठाया सेम प्रोडक्ट के ऊपर, सॉरी दो मार्केट्स का फायदा उठाया सेम प्रोडक्ट के ऊपर, दो मार्केट्स के डिफरेंट रेट्स का, और उन डिफरेंट रेट्स को के आपने के थ्रू आपने कमाई की। और बैंकिंग सेक्टर में आर्बिट्रेज कैसे रहेगी, उसमें फाइनेंस सेक्टर में कैसे रहेगी, इसमें जो डिफरेंशियल रेट रहता है वो आपका रहता है ROI का। आपने क्या किया कि सेम जो पैसा है ट्रांजेक्शन का, सेम पैसा जो बैंक से आपने 4-5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उठाया बायस क्रेडिट की शेयर में, उसको आपने मार्केट के अंदर क्या किया, मार्केट के अंदर आपने बैंक को बुद्धू बनाया, आपने बैंक से टाइम, आपने अपना साइकिल बैंक को गलत प्रेजेंट किया,
कि बैंक या बैंक से समझने में गलती होगी या आपने गलत प्रेजेंट किया, कुछ भी लगा लीजिए सिचुएशन, ठीक है। तो आपने बैंक से 31/12/2021 तक के लिए फंड्स ले लिए और आपको जो पेमेंट आ गई उन्हीं फंड्स की वो 15 अक्टूबर तक आ गई और आपने ढाई महीने के लिए उस फंड के ऊपर 7-8% का रिटर्न कमाया और 4-5% का जो रिटर्न है वो बैंक को पे किया। तो ये जो आपने डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया ढाई महीने के लिए, इसको हम बोलते हैं कि आपने आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी को यूज किया बैंक के अंदर, राइट। तो ये चीज, ये सिनेरियो रहता है कि प्रैक्टिकली कि क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है आर्बिट्रेज का। तो इसको इरेज करते हैं एक बार, मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करवाता हूँ। अब इसके अंदर क्या रहेगा, अब इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब टेन्योर रखें क्या, अब इस चीज को सॉल्व कैसे करें कि आर्बिट्रेज का बोरोवर आर्बिट्रेज का बेनिफिट हमसे ना उठा पाए। तो देखिए, आपको आर्बिट्रेज का बेनिफिट बोरोवर ना उठा पाए, इसके लिए आपको उसके बिजनेस में घुसना पड़ेगा, बिजनेस को समझना पड़ेगा, डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी आपको, उसके फाइनेंशियल्स की डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि उसके फाइनेंशियल्स को जज करना पड़ेगा कि उसके फाइनेंशियल्स में एक्चुअल जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, यानी कि जो ये एक्चुअल वर्किंग कैपिटल साइकिल है या जो जिसको हम ऑपरेटिंग साइकिल भी बोल देते हैं वो क्या निकल के आ रहा है उसके बिजनेस में, एक्चुअल ऑपरेटिंग साइकिल आपको समझना पड़ेगा। इसके बिजनेस में जो एक्चुअल ऑपरेटिंग साइकिल था वो था स्टॉक था उसका 60 दिन का, डेटर्स थे उसके 30 डेज के, तो ये हो गया उसका 90 डेज। तो टोटल जो उसको साइकिल मिल रहा था वो यहाँ पे कितना मिल रहा था, 90 डेज का साइकिल मिल रहा था यहाँ पे। तो 90 डेज के हिसाब से उसको जो क्रेडिटर से जो सपोर्ट था, वो कितने दिन का मिल रहा था, 30 डेज का सपोर्ट मिल रहा था, क्रेडिटर से सपोर्ट उसको मिल रहा था 60 डेज का सपोर्ट मिल रहा था। तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल अगर आप एक्चुअल कंप्यूट करते और एलसी और बायर्स क्रेडिट की ट्रांजैक्शन को उसके एक्चुअल ऑपरेटिंग साइकिल के थ्रू प्लान करते, तो आपको ये इस चीज का कभी भी रिस्क अपने बिजनेस में ना आता, तो आप इस ट्रांजेक्शन को उसी तरह से प्लान कर पाते अपने बिजनेस को उसके बोरोवर के प्रोफाइल के अंदर। तो ये इस तरह के बेसिक जो अपने बिजनेस के अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, जो एलसी और बायर्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपकी, दो मेजर बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं इसके अंदर, कि एक तो इन्वॉल्व है कि आपकी जो इनलैंड एलसी की ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आप अपनी ग्रुप फर्म को सपोर्ट ना करें, और आप ध्यान रखें कि आप ग्रुप फर्म को, आप एलसीबीडी भी किसी को सेंक्शन कर रहे हैं, आप किसी को एलसीबीडी की फैसिलिटी भी सेंक्शन कर रहे हैं, तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आप उसको इस तरह से सपोर्ट ना कीजिए कि ताकि कल को वो दिक्कत में आ जाए या उसको मतलब कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए। तो आइडियली जो उसको जो बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी है, तभी आरबीआई हमारा जो बोलता है, आरबीआई हमारा क्या बोलता है कि बायर्स क्रेडिट की फैसिलिटी जो आपको कितने टेन्योर के लिए देनी चाहिए, वो देनी चाहिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल और वन ईयर विच एवर इज लेस, नहीं तो अदरवाइज आपकी हमेशा जो है वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी नहीं तो बन के आएगी, हमेशा आपका फंड डाइवर्जन का रिस्क बना रहेगा। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से चलते तो 30 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल बनता, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप नजर आएगा, वो गैप आपको ये बेसिकली 15 दिन के पीरियड की वजह से नजर आएगा। अगर ये 30 डेज के पेमेंट साइकिल के हिसाब से चलते, 30 डेज का बायर्स क्रेडिट देते ऑपरेटिंग साइकिल के हिसाब से, तो जब एलसी की ड्यू डेट 31 अगस्त आई तो 30 डेज के हिसाब से उसकी 30 सितंबर 2021 जो है वो बायर्स क्रेडिट की ड्यू डेट बननी चाहिए थी, बायर्स क्रेडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर 2021 बननी चाहिए थी। ऑफ कोर्स इसमें आप कहेंगे कि सर 15 अक्टूबर को तो उसको पेमेंट रिसीव हुई है डेटर्स की और 30 सितंबर को ड्यू डेट बन रही है, तो वो उसके पास तो अभी भी 15 दिन पहले एडवांस में पेमेंट करने के पास लिए पैसा नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स वो देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन में, जो मैंने ये 15 दिन का गैप लिया है ट्रांजिट का 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई का, जब आप बायर्स क्रेडिट 30 दिन का ये बना रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल 30 दिन का, तो ऑफ कोर्स उसमें आप 15 दिन ट्रांजिट टाइम ऐड करके चलिए, उसमें 15 दिन जो है आप ट्रांजिट टाइम का ऐड करके चलिए। अगर आप ऐड करके चलेंगे तो आपको फिर ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, 15 दिन का अगर ट्रांजिट टाइम ऐड कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 45 दिन का बायर्स क्रेडिट का टेन्योर बना लीजिए,
तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकली इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, और ये प्रैक्टिकल इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहता है आर्बिट्रेज का इस इन बिजनेसेस के अंदर। तो आई होप आपने लेटर ऑफ क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी को बहुत अच्छे से अब समझ लिया है, उसकी पूरी डिटेल और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बना ली है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के प्रोडक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को हम वन बाय वन अपना कवर करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एंगल को मैं यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता। इवन जो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि एल प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहना है, लाइबर बेस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कि लाइबर क्या होता है, उसका रेट कैसे डिटरमिन होता है और क्या रीजन क्या है उसको बनाने का। ये भी एक सेपरेट लेक्चर हम इसके ऊपर बनाएंगे। स्विफ्ट कोड के ऊपर तो मैंने आपको प्रॉमिस किया ही है कि मैंने आपको बनाना ही बनाना है। फर्दर हमारा जो फॉरवर्ड कवर फैसिलिटी है, जैसे एडवांस में फॉरेन एक्सचेंज बुक करना, उसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। फर्दर हमारी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस फैसिलिटी है, उसके ऊपर हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। तो बहुत कुछ है अभी सीखने के लिए हमारे पास फॉरेक्स प्रोडक्ट्स में। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।